हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो कि सीआरपीसी 125 पे आधारित है, जिसमें पत्नी को बहुत बड़ी राहत मिलती है और उसका जो मेंटेनेंस है उसके बच्चों का वो अलाउ कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में पहली बार आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो जजमेंट है, ये जो टाइटल है वो अनुज गर्ग एंड अनदर्स वर्सेस दीपक कुमार गर्ग का है। और इस केस में क्या कहा गया था वो हम लोग जान लेते हैं। जो इस केस में ये कहा गया था कि जो एप्लेंट है यानी कि जो वाइफ थे और जो रिस्पॉन्डेंट यानी कि जो हस्बैंड है, उनकी जो शादी होती है वो 1991 में होती है, यानी कि 1991 में उनकी शादी होती है। अतः शादी के बाद उनके एक डॉटर होती है जिसका नाम मेघा गर्ग होता है। उसके बाद उनका एक सन होता है जिसका नाम रचित गर्ग होता है। जो लड़की होती है वो 1992 में होती है और जो लड़का होता है वो 1999 में होता है। फिर इसके बाद जो वाइफ रहती है वो 125 का एक मेंटेनेंस का केस करती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, क्योंकि जो उसका हस्बैंड होता है वो उसकी वाइफ को क्रूएल्टली फिजिकली या मेंटली उसको टॉर्चर कर होता है, क्योंकि जिसके कारण जो वाइफ होती है वो अपना मैट्रिमोनियल होम और साथ ही साथ अपने जो बच्चों को वहां छोड़ के चली जाती है, अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो एलिगेशन ये लगाती है कि जो उसका हस्बैंड है उससे डिमांड कर रहा होता है 1 करोड़ डाउरी का, मतलब दहेज के लिए परेशान कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उसे फिजिकली उसको टॉर्चर कर रहा है, 1 करोड़ की डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसके फादर ने 2 लाख रुपए 2005 में ऑलरेडी पे कर दिए हैं। और उसके अलावा उसके फादर ने अलग से 4.5 लाख रुपए का भी पेमेंट किया था, क्योंकि उसके जो हस्बैंड एक इंडस्ट्री है, क्योंकि उसको लोन चुकाना है और समय समय पे वह अपनी वाइफ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, जिससे परेशान होकर जो वाइफ होती है वो अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के घर से छोड़कर चली जाती है और सीआरपीसी 125 का मेंटेनेंस का केस करती है। फिर उसके बाद जब मेंटेनेंस का केस होता है तो जो रिस्पॉन्डेंट यानी कि जो हस्बैंड है वो रिप्लाई में ये कहता है कि वो इसके लिए डिनाई नहीं कर रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई है। वो एक मानता है कि जो उसकी जो शादी हुई है वो हिंदू रीति रिवाज से हुई है, ठीक है, लेकिन जो डिमांड है जो डॉरी की वो उसकी मांग नहीं कर रहा है। साथ ही साथ वो बिना किसी कारणवश से यानी कि विदाउट एनी रीजन से ही अपना उसका जो घर है वो छोड़ के चली गई है। तथा रिस्पॉन्डेंट ये भी एडमिट करता है कि जो उसकी जो डॉटर है मेगन, वो उसकी शादी मतलब कि इसकी जो शादी के बाद उसकी जो लड़की हुई है वो उसकी डॉटर है, लेकिन जो उसका जो लड़का है वो उसका बायोलॉजिकल सन नहीं है। ये चीज अपने वो रिप्लाई में करता है। उसके बाद जो फैमिली कोर्ट है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग यानी 2014 में जब ऑर्डर करता है तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एक इंटरिम मेंटेनेंस, ठीक है, एक इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर देता है। कितना? 40,000 पर मंथ से, किसके फेवर में? वाइफ के फेवर में। और ये कहता है, कोर्ट कहती है कि अगर डॉटर अटेन द मेजोरिटी, मतलब कि अगर वो एज 18 साल उसका पूरा हो गया है तो उसको इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ मतलब ग्रांट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद रिस्पॉन्डेंट जो होता है वो एक डीएनए टेस्ट के लिए फैमिली कोर्ट में प्रेयर करता है कि वो जो रचित यानी कि जो उसका लड़का है वो उसका बायोलॉजिकल सन नहीं है, जहां फैमिली कोर्ट इसको डिसमिस कर देता है उसकी इस एप्लीकेशन को। फिर इसके बाद एक कंडीशनल इशू वारंट करता है फैमिली कोर्ट रिस्पॉन्डेंट को कि अगर वो फेल होता है, एंटी मेंटेनेंस नहीं करता है तो उसमें वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर जो रिस्पॉन्डेंट है यानी कि जो वाइफ है वो क्या नाम है, फिर फैमिली कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया जाता है जहां पे कोर्ट उस केस को सेटल कर देता है और जो मेंटेनेंस है यानी कि जो इंटरिम मेंटेनेंस था अब उसको मेंटेनेंस में यानी कि मेंटेनेंस ग्रांट कर देता है 6,000 पर मंथ टू यानी कि उसके जो लड़के को, और वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस अलाउ नहीं करता है। फिर इस ऑर्डर के खिलाफ जो वाइफ है वो क्या नाम है, एक रिवीजन फाइल, क्रिमिनल रिवीजन फाइल करती है हाई कोर्ट में, और ये भी बात रखती है कि फैमिली कोर्ट के सामने कि फैमिली कोर्ट में जब केस चल रहा था वो कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन कराना चाह रही थी, लेकिन फैमिली कोर्ट इस बात को ध्यान न रखते हुए उसकी जो मेंटेनेंस है उसमें केवल उसके बच्चों को यानी कि उसके लड़कों को अलाउ करती 6,000 पर मंथ और वाइफ को कुछ अलाउ नहीं करती, और यही को सही बात को ठहराते हुए हाई कोर्ट भी यही बात दोहराता है। फिर
वाइफ क्या करती है, इस ऑर्डर के खिलाफ, हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो फाइल करती है तो वहां पे जो वाइफ की तरफ से ये बात रखी जाती है कि जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो बिना किसी इनफ्रेक्चुअस मैनर, मतलब कि कोई ध्यान ना रखते हुए, क्योंकि वाइफ ऑलरेडी अपना एविडेंस यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो सब प्रस्तुत करना चाह रही थी, लेकिन यह जानते हुए भी कि जो हस्बैंड है वो उसके ऊपर इशू कंडीशनल वारंट इशू हो गया है, तो वो ना कोर्ट में ना आते हुए भी इस सबको अनदेखी करते हुए भी हाई कोर्ट ने इस बातों को निगलेक्ट किया, और तथा दूसरी चीज फैमिली कोर्ट ने भी इस बात को नहीं रख सही ठहराया। तो सुप्रीम कोर्ट इस सब को देखते हुए फिर जो देखती है, फिर उसके बाद जो रिस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड की तरफ से बात रखा जाता है कि जो उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अब उसका कोई बिजनेस जो था वो भी अब नहीं है, तो वो अब इसके लिए बिना जो उसकी वाइफ थी बिना कारण बताए घर छोड़ के चली गई और बिना रीजन, तो मेंटेनेंस किस बात का। तो ये सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट दोनों बातों को देखते हुए ये तर्क पहुंचता है कि जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए क्योंकि उसका एक अधिकार है, और ये बात एकदम क्लियरिटी है, एक बात एकदम क्लियर होकर आती है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा था, और जो उसका जो बिजनेस का जो लोन था वो भी बात एक सच क्लियर होती है कि वाइफ को एक जो पिता से बार समय समय पे उसके पिता ने एक पेमेंट किया था, और जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा था जिसके कारण वाइफ को घर छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट एक ये भी ऑर्डर करती है जो वाइफ है उसको जो मेंटेनेंस है वो परमानेंट नहीं, एक मेंटेनेंस जो सीआरपीसी का 125 का वो अलाउ कर देती है, और वो मेंटेनेंस कितना अलाउ करती है, वो 10,000 पर मंथ। तो जहां वाइफ को 10,000 पर मंथ जो मेंटेनेंस अलाउ करती है, साथ ही साथ जो फैमिली कोर्ट ने यानी कि 6,000 रुपए जो बच्चों के लिए यानी कि उसके जो लड़के के लिए भी दिया था उसको भी दोहराती है। तो इस प्रकार जो वाइफ है उसको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिलती है और वो अपना ये कि जो केस है उसको आसानी से जीत जाती है। तो इस तरह का जो जजमेंट है जो वाइफ के फेवर में बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको भी इस तरह के जजमेंट को समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी इसकी लिंक दी है, आप वहां जाकर इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आप अपने केस को अच्छा मजबूत बनाइए, क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और आप कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो केस है वो कमजोर है, क्योंकि अच्छी पैरवी ही करने के लिए एक अच्छा लॉयर आपको चाहिए। तो आपको ये सब बातों को ध्यान रखने के रखते हुए आप अपनी बात कोर्ट की समझ रख सकती हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको जानना है सीआरपीसी 125, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और या हमें ईमेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।